अगले दिनों वो बापा जानी की एक वीडियो, उसके ऊपर उनके जो सैकड़ों हजारों मुरीदीन सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं। देखो ना खीरा बेचारा कितना प्यारा था, और इसको प्यारा कौन नहीं बोले, सब्ज सब्ज। हाय 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 सदके जावा। अब इस बेजरर खीरे को इसको बस लगे रहते हैं तो छीलते रहते हैं। यार इसको कुछ ना कहा करो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और इसका सब्ज सब्ज छिलका जो लोग सर पे सब्ज बांधते हैं ना, वो भी कचरा कुंडी में डालते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यही सब्ज रंग सर पे चढ़ाते हैं, यही सब्ज रंग इसको कचरा कुंडी में डालते हुए इनका हाथ जरा ही नहीं कांपता। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। छिलका होता है ना इसके ऊपर, बच्चे भी नहीं खाते। हाँ, आप खाओगे तो बच्चे खाएंगे, बच्चे नकल करते हैं। इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे, इसलिए तो लिखा होता है कि बच्चों की पहुंच से दवाएं दूर रखो। खुदा दा ना जाए, शुक्र है गोरियां उर्दू नहीं आती, तुहानू अंग्रेजी नहीं आती। जो इस्लाम की पीठ में तुम लोगों ने छुरा घोंपा है झूठ बोल बोल के। तो शायद इसीलिए लिख कर जो तो कि दादा को रब्बू को देखेंगे खाते हुए तो ये समझेंगे कोई अच्छी चीज है। अकल ना हो तो मौजे ही मौजा, इसको खा डालेंगे और सो जाएंगे। इस समय पहले एक सूटा ला ला। तो भैया फिर खीरे का क्या करें? हाँ खीरे का मैं अर्ज करता हूँ इसको धो ले, धो कर इसको बस काट ले। वक्त बदलती है, जज्बात बदलती है, जिंदगी बदलती। अब इसका भी दोनों तरफ से एक एक टुकड़ा फेंक दिया जाता है। तमाशबीनी है जरा जी, इसकी हाजत नहीं है। क्या है इसमें? कांटा लगा हुआ है, इसमें पत्थर लगा हुआ है। ना पुल जो इसमें कीचड़ लगा, कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल तो साफ है। चट्टो फकीरी नाल में देती जे। अगर बिल्कुल कोई नोक है भी खराब तो उसको थोड़ा सा हंसने जरूर निकाल दीजिए, बाकी गोल गोल कतले बना ले। वाह वाह चंगी मत पे देना मनु। हाँ या लंबाई में इसकी फांक बना, लंबाई की फांक ज्यादा आसान होती। तो भाई उस दिन से डरे कि गोरों को उर्दू आ जाए या आपको अंग्रेजी आ जाए। तो अब ये भी फैशन है कि वो जितना बड़े से बड़ा इस तरह टेढ़ा काट। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। डिजाइन बनती है वो भी जाहिज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बात बोलता हूँ, बोलो बोलो एक बात बोलता हूँ, बोलो बोलो। सलाद और इस तरह की जो है वो एक डिजाइनिंग के साथ रखने का एक रिवाज है, तो उसमें अब चूंकि वो डिजाइनिंग बनानी है तो वो ज़िगज़ैग बनाना है। फेंक के नहीं, बाकी जिस तरह ये सजावट कर रहे हैं इसमें हर्ज नहीं है। और मैंने तो इनको अभी वीडियो में बेइज्जत होते हुए देख लिया है, जिनको ये गौसे वक्त कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं गौसे वक्त है बापा जानी, वो खुद एक यानी वो पैड से कुछ चीज देख के पढ़ रहे हैं, तो उनको ऐनक लगानी पड़ी है उससे पहले। और तुम लोग ऐनक के बगैर तो पढ़ नहीं सकते, तुम लोगों ने दिल का हाल क्या जानना है? यानी देखे जो बंदा दिल के अंदर किसी के पढ़ लेता है उसे तो ऐनक की जरूरत तो नहीं। इन बुजुर्गों ने ऐनकें क्यों लगाई हुई है? और वो जो उनका पोता है उसको तो इतनी मोटी ऐनक लगी हुई है जिसका नाम उन्होंने मुआविया रखा हुआ है, ऐनी मोटी ऐनक लगी है। क्यों भी ऐनक की जरूरत क्यों है? जो दिलों के हाल जानते हैं ऐनकें किस लिए लगाई हुई है? आपके दिल के अंदर पढ़ लेते हैं और बाहर लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते। और सब कहानियां फ्रॉड है, झूठ।